वक्त ऐसा था जब ज्यादातर मदरसों में राष्ट्रगान की लिया कि उत्तर प्रदेश मदरसों में राष्ट्रगान होगा, यानी कि अब उसका रियलिटी चेक भी होगा। इसके साथ साथ एमपी में भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी मदरसों में राष्ट्रगान, बाबा मामा का रियलिटी चेक। यूपी में लगभग 17,000 मदरसे हैं, जिसमें हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले तक यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब सीएम योगी ने मदरसों में राष्ट्रगान को न सिर्फ अनिवार्य कर दिया है, बल्कि इन मदरसों में राष्ट्रगान हो रहा है या नहीं, इस पर भी योगी सरकार पूरी सख्ती के साथ नजर रख रही है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रगान को लेकर बड़ी पहल हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर मुहिम चला दी है। खबर के मुताबिक राष्ट्रगान को लेकर एमपी के मदरसों का दौरा किया जाएगा। एमपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इस बात की जाँच करेगा कि मदरसों में राष्ट्रगान हो रहा है या नहीं। सरकार विचार कर रही है, मैंने तो फैसला किया है कि मैं प्रदेश भर के मदरसों में घूमूंगा और अगर राष्ट्रगान नहीं होता तो मैं निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान होना चाहिए। यूपी के बाद एमपी के मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले ही संकेत दे चुके थे। वहीं यूपी में मदरसों में राष्ट्रगान शुरू हो चुका है, इसकी जाँच योगी सरकार कर रही है। यूपी में 16,513 मदरसे रजिस्टर्ड है, जहाँ अब राष्ट्रगान अनिवार्य हो चुका है। लेकिन इस बीच जिस तरह से मदरसों में राष्ट्रगान के खिलाफ ओवैसी जहर उगल रहे हैं, हैरानी की बात यह है कि ओवैसी को इसमें भी साजिश नजर आती है। आप क्यों मदरसों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? आप शक की नजरों से उनको देखते हैं, इसीलिए इस तरह कानून बना रहे हैं आप। राष्ट्रगान हम पढ़ेंगे, पढ़ती आए, फखर होता है, सीना चौड़ा होता है। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर भले ही ओवैसी जहर उगले, लेकिन मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर कई मुस्लिम धर्मगुरु समर्थन दे रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या यूपी की तरह एमपी में भी मदरसों में राष्ट्रगान का नियम सफल होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।